जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रैक्शन लाइन का यूजेस बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप कंट्रैक्शन लाइन का यूजेस कर सकते हो। देखिए, साथ ही साथ मैं इसके अंदर बताऊंगा रे लाइन का भी यूजेस, किस टाइप से आप रे लाइन का भी यूजेस कर सकते हो। देखिए, कंट्रैक्शन लाइन की बात करें तो आप कंट्रैक्शन लाइन को किस टाइप से आप यूजेस करेंगे। देखिए, कंट्रैक्शन लाइन के अंदर आपको एक तो एक सेंटर पॉइंट देना होगा। अब जो पॉइंट आप दोगे उस पॉइंट से आपकी वो लाइन दोनों साइड क्रिएट होगी। जो भी आपने पॉइंटर दिया है उस पॉइंट से वो लाइन दोनों साइड बनेगी। साथ ही साथ आप उस लाइन को कैसे एक हॉरिजेंटल यूज करना चाहते हो तो आप हॉरिजेंटल यूज कर सकते हो। आप उस लाइन को वर्टिकली यूज करना चाहते हो तो आप उस लाइन को वर्टिकली भी आप उसे यूजेस कर सकते हो। आप किसी एंगल बेसिस यूज करना चाहते हो कि आपने क्या कर दिया, एक एंगल दे दिया तो वो लाइन ना क्या करेगी, उसी एंगल पर बनती जाएगी जो आपने एंगल दिया है। क्लियर? या आप उस लाइन को ऑफसेट के अकॉर्डिंग आप यूज करना चाहते हो तो आप ऑफसेट के अकॉर्डिंग यूजेस कर सकते हो। तो कंट्रैक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है कि जब भी आप ऑटोकैड के अंदर काम कर रहे हैं, आप कोई प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करिए, कंट्रैक्शन लाइन का यूजेस कर दीजिए। तो जो भी आपने कंट्रैक्शन लाइन बनाई उसको फिर क्या कर दीजिए, ऑफसेट करते जाइए, तो वहां से आपका प्लान बड़ी आसानी से वहां पर क्रिएट हो सकता है। क्लियर? आप इसके अंदर रे लाइन का यूजेस, देखिए रे लाइन की बात करें तो रे लाइन क्या काम करेगा, जैसे आप मान चलिए कोई स्टेयर बनाते हो या आप कहीं ऐसी जगह ऑब्जेक्ट बना रहे हो जहां पर क्या हो रहा है, वो घूम रहा है, राउंड हो रहा है, और वहां पर आपको स्टेयर्स क्रिएट करनी है। क्लियर? तो वहां पर आप किसका यूजेस करेंगे, रे लाइन का यूजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंट्रैक्शन लाइन और रे लाइन, वो भी विद कमांड के द्वारा, कि किस टाइप से आप कंट्रैक्शन लाइन को यूजेस कर सकते हो और किस टाइप से आप रे लाइन को यूजेस कर सकते हो। मैं केशव मसी, वेलकम टू माई चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए, कंट्रैक्शन लाइन और रे लाइन, तो आप जाएंगे ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, देखेंगे कंट्रैक्शन लाइन और रे लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कंट्रैक्शन लाइन की। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंट्रैक्शन लाइन पर। कंट्रैक्शन लाइन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके ऑप्शन दिखाई देंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट और ऑफसेट। तो अभी इन ऑप्शनों का हम यूजेस सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको कंट्रैक्शन लाइन यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पेज पर जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कंट्रैक्शन लाइन शो होगी। अब इस कंट्रैक्शन लाइन को आप किस टाइप से यूज करना चाहते हो, जैसे मुझे क्या करना है, इस टाइप से लाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, फिर इस टाइप से, फिर ऐसे, तो आप इस टाइप से यहाँ पर आप लाइन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये लाइन जो चलेगी आपकी दो साइड बेसिस चलेगी, कि जैसे भी आप यूज करेंगे तो दोनों साइड आपको यहाँ पर व्यू शो कराएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ इरेज। कंट्रैक्शन लाइन की कमांड की बात करें तो आपको टाइप करना होगा एक्सएल। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स लाइन आएगा, मतलब आपका कंट्रैक्शन लाइन, आप एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद में आप देखेंगे तो सबसे पहले स्पेसिफाई पॉइंटर, तो आपको पहला पॉइंटर दीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइप से, देखिए एक तो आप यहाँ पर मैन्युअली क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने के साथ आपको एंगल भी देना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टैप बटन का यूजेस करेंगे। जैसे टैप पर जाएंगे तो देखेंगे तो आपको माउस का किस पर आ गया, एंगल बेसिस। अब यहाँ पर आपको कितने का एंगल चाहिए, 45, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइन आ गई 45 पर। फिर से मैं यहाँ पर टैप बटन यूज करता हूँ, इस बार एंगल दे देता हूँ मैं कितने का, 90 का। तो आप देखेंगे तो 90। तो किस टाइप से आपको एंगल चाहिए, आप वही एंगल पर यहाँ पर आप यूजेस कर सकते हो। जितने एंगल पर आपको लाइन चाहिए, या तो आप एंगल टाइप कर दीजिए या आप इस टाइप से नॉर्मली मैनुअली लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यूज करोगे क्या, कंट्रैक्शन लाइन। मैं फिर से क्या करता हूं, यहां पर यूज करता हूं XL, एंटर। अब देखेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन है क्या, हॉरिजेंटल। आप हॉरिजेंटल लाइन यूज करना चाहते हो तो यहां पे आप हॉरिजेंटल क्लिक करिए। हॉरिजेंटल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो लाइन आपकी इस टाइप से यहां पर हॉरिजेंटल लाइन चलेगी, देखिए इस टाइप से। क्लियर? तो आप इस टाइप से कोई हॉरिजेंटल लाइन बनाना चाहते हो, आप हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप वर्टिकल लाइन बनाना चाहते हो तो आप वर्टिकल लाइन दे सकते हो। यहाँ पर आप यूज करेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए V और हॉरिजेंटल के लिए आप नॉर्मली कमांड दे सकते हो H। तो फिलहाल देता हूं यहाँ पर V, एंटर। तो आप देखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो कैसे चली यहाँ पर, वर्टिकल। क्लियर? इस टाइप से आप यूज कर सकते हो वर्टिकल, या फिर आप एंगल बेसिस यूज करना चाहते हो तो XL, एंटर। तो एंगल के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, A, एंटर करिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो एंगल आपको सबसे पहले मांगेगा कि आपको एंगल क्या रखना है, तो यहाँ पर आप एंगल दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे 45 के एंगल पर लाइन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर 45, तो देखेंगे आपका एंगल 45 के एंगल पर आपकी लाइन यहाँ पर क्रिएट होगी इस टाइप से।
क्लियर। तो इस टाइप से आप एंगल दे सकते हो, या फिर एक एग्जांपल मान चले कि मैंने यहां पर क्या करा, एक लाइन दे देता हूं इस टाइप से, और एक लाइन में यहां पर इस टाइप से एक एंगल दे देता हूं इसको यहां से ये। अब आपको रेफरेंस देना चाहते हो एंगल का, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे एक्सेल टाइप करता हूं। अब यहां पे मैं एंगल लेता हूं। अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है क्या, रेफरेंस। तो यहां पे क्लिक करता हूं मैं रेफरेंस पर। जैसे मैं यहां पे रेफरेंस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये क्या मांग रहा है आपको, सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो लाइन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको, लाइन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, एंगल ऑफ लाइन। तो यहां पे क्या रखता हूं, इसको जीरो ही रखता हूं, यहां पे जीरो। तो देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, ये बिल्कुल सेम जो लाइन का आपने एंगल दिया है उसी एंगल बेसिस आपकी लाइन यहां पर क्रिएट होगी, देखिए। क्लियर, तो इस टाइप से भी आप कोई भी एंगल यहां पर दे सकते हो। क्लियर, मैं फिर से यहां पे एक लाइन लेता हूं और इस वाली लाइन का मैंने एंगल दे दिया ये इस टाइप से। ठीक है, ये एंगल दिया, एक्सेल टाइप करता हूं, एंगल लेता हूं, रेफरेंस दे देता हूं आर, और यहां पे इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर देता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं जीरो रखता हूं। अब देखेंगे तो इसी एंगल बेसिस काम करेगा। ठीक है, तो आपने कोई रेफरेंस दे रखा है, आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हो तो आप रेफरेंस का भी एंगल यहां पर उठा सकते हो। नेक्स्ट एक्सेल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बाइसेक्ट। देखिए बाइसेक्ट की बात करें तो यहां पे क्या करता हूं, फिर से मैं एक एंगल क्रिएट करता हूं लाइन। यहां पर मैं लाइन ली इस टाइप से और यहां से इसका एक एंगल बना दिया मैंने इस टाइप से 60 का। ये मैंने यहां पर एंगल दे देता हूं मैं टाइप करके 60। तो यहां पे मैंने 60 की लाइन की एंगल बनाई एक। तो यहां पे मैंने लाइन बनाई किस पर, 60 के एंगल पर। मैं यहां पे एक्सेल टाइप करता हूं। अब यहां पे यूज करता हूं किसको, बाइसेक्ट का यूज। तो बी एंटर। अब देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपको क्या, एंगल वर्टेक्स। तो आपको क्या करना है, एक एंगल वर्टेक्स देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल मान ली, ये दिया और उसके बाद इसको क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो भी आप बाइसेक्ट एंगल देंगे उस बेसिस पर यहां पर ये काम करेगा। ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल मान चले कि मैंने यहां पर बाइसेक्ट एंगल इसका ये दे दिया ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूं राइट क्लिक। तो आप देखेंगे तो इस टाइप से, अब आप इनका एंगल यहां पर चेक करेंगे तो आप एंगल चेक कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं यहां से इसका एंगल चेक किया और ये एंगल है, तो यहां पर एंगल जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है मेरा, 60 का। ठीक है, अब इनका दोनों का मुझे एंगल चेक करना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लाइन क्रिएट कर देता हूं यहां से और यहां तक। तो इनका दोनों का मैं एंगल अलग अलग निकालता हूं। तो देखिए यहां से मैं एंगल निकाल रहा हूं इस लाइन का और इस लाइन का, तो देखेंगे कितना आ गया 30, और इस लाइन का एंगल तो इसका भी क्या आ गया 30। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बाइसेक्ट एंगल का यूज करना चाहते हो तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। मैं फिर से एक्सेल टाइप करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, ऑफसेट। देखिए ऑफसेट का क्या है कि आप कोई भी लाइन बना रहे हो तो उसको आप ऑफसेट यूज करना चाहते हो तो वहां पर ऑफसेट यूज कर सकते हो। मैं यहां पर ऑफसेट करता हूं और यहां पर आपको ऑफसेट अमाउंट देना होगा कि आप कितने उस पर ऑफसेट करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए 5 का ऑफसेट। अब यहां पर 5 के ऑफसेट के लिए आपको क्या है, एक लाइन होनी चाहिए आपके पास में। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक लाइन बनाता हूँ। जैसे मान चलिए ये मैंने लाइन क्रिएट करी यहाँ पर, तो ये मैंने लाइन बनाई। अब लाइन बनाने के बाद मैं क्या लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ। तो एक्सेल उसका यूज कर रहा हूँ, ऑफसेट कितना 5 का ऑफसेट। अब मैं यहां से लाइन सिलेक्ट करता हूँ। लाइन सिलेक्ट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे इसको ऑफसेट करूंगा तो यहां से इसका 5 का ऑफसेट यहां पर आ रहा है। क्लियर, मैं ऑफसेट क्या करता हूँ फिलहाल कम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेल एंटर ऑफसेट, और इस बार दे रहा हूं मैं ऑफसेट कितना 1 का। अब यहां से मैं 1 का ऑफसेट कर रहा हूं तो देखेंगे तो अब क्या है, ये 1 के ऑफसेट पे आपकी लाइन चलती रहेगी इस टाइप से। जैसे आपकी लाइन बनी हुई है उसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ऑफसेट होता रहेगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप यहां पर यूज कर सकते हो ऑफसेट का। या फिर आपने क्या किया, यहां पर कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर क्रिएट करी। अब इसी लाइन को क्या करना है मुझे, ऑफसेट करना है। इसी लाइन को क्या करना है मुझे, ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट मैं यहां पर ऑफसेट कर देता हूं 0.5 पर, और इसके अकॉर्डिंग इसी लाइन को मैं क्या करूंगा, यहां पर कंटिन्यू 0.5 पर ऑफसेट कर सकता हूं। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो यहां पर कंट्रेक्शन लाइन का। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, रे लाइन। तो रे लाइन के लिए आप आएंगे तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, रे। यहां पर मैं रे को सिलेक्ट करता हूं। रे को सिलेक्ट करने के बाद में अब आप यहां पर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंटर, आप देखेंगे तो आपकी रे लाइन इस टाइप से। मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूं तो फिलहाल देखेंगे तो इस टाइप से।
अब रे लाइन जो वर्क करती है वो एक ही साइड सिंगल पॉइंट के बेसिस पर काम करती है। कंट्रेक्शन लाइन आपने देखा तो दोनों साइड वर्क कर रही थी, लेकिन रे लाइन आपकी क्या काम करेगी, एक ही साइड। आप रे लाइन के अंदर भी कोई एंगल देना चाहते हो, आप चाहते हो कि रे लाइन को भी आप एंगल बेसिस यूज करना चाहते हो, तो आप रे लाइन को भी एंगल बेसिस यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कर देता हूं क्या, इरेज। अब रे लाइन की कमांड की बात करें तो इसके लिए पूरी कमांड आपको देनी होगी क्या, रे। आप यहां पर टाइप करेंगे रे, रे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको कितने एंगल पर यहाँ पे यूजेस करना है, तो यहाँ पे आप टैब बटन यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे 90 के एंगल पर, तो आप देखेंगे तो 90 के एंगल पर आ गया, ठीक है। फिर टैब बटन यूज करता हूँ मुझे कितना 50 के एंगल पर, तो यहाँ पे 50 एंगल पर आ गया। फिर टैब बटन यूज करता हूँ मुझे यहाँ पे 20 पर, तो यहाँ पे 20 बटन, तो यहाँ पे 20 के एंगल पर। फिर से यहाँ पे टैब बटन यूज करता हूँ यहाँ पे 0, तो यहाँ से 0। तो इस टाइप से आप एंगल बेसिस भी आप यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एंगल भी इसके अंदर टाइप कर सकते हो, कि जो भी आपको एंगल चाहिए उसी एंगल के बेसिस पर लाइन आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पर रे लाइन का यूज कर सकते हो। तो ये होता हमारा रे लाइन। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज, कि आप कैसे ऑटोकैड के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया गया, जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ में क्या होगी, वो लाइन दोनों साइड आपकी क्रिएट होती जाएगी। आप उस लाइन को एक एंगल बेसिस, आपने कोई एंगल दे दिया और आप एंगल के बेसिस आप बनाते जाओगे, तो वो क्या है, सेम जो एंगल दिया है उसी एंगल बेसिस क्या होगी, वो लाइन आपकी क्रिएट होती जाएगी। या आप उस लाइन को हॉरिजेंटली यूज करना चाहते हो तो आप हॉरिजेंटली यूज कर सकते हो, आप वर्टिकली यूज करना चाहते हो तो आप वर्टिकली यूज कर सकते हो। आपने क्या किया, एक ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया, तो सेम उसी डिस्टेंस पे क्या होगी, वो लाइन ऑफसेट होती जाएगी। क्लियर, कि आपने क्या किया, एक ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया तो उसी ऑफसेट बेसिस क्या होगी, लाइन वो ऑफसेट होती जाएगी, एक तरह से कॉपी होती जाएगी। इस लाइन का यूज जैसे मैंने आपको बताया, जब हम कुछ कंट्रेक्शन काम करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, तो वहां पर इस लाइन का हम काफी यूजेस करते हैं, क्लियर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इसके अंदर रे लाइन का यूज, किस टाइप से आप ऑटोकैड के अंदर रे लाइन का यूजेस करना चाहते हो तो आप रे लाइन का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।